आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, आज जो समसामयिक विषय हैं उन विषयों पर हम आपसे अब लगातार रूबरू होंगे। लगभग कोशिश होगी कि हम रोजाना आपसे रूबरू हो पाए। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अशोक चौहान ने कांग्रेस को आखिर अलविदा क्यों कहा, एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ है। आला नेताओं की नाराजगी, जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उनकी नाराजगी को कांग्रेस नेतृत्व आखिर समझ क्यों नहीं पा रहा है या समझ के समझना नहीं चाहता है, ये एक बड़ा प्रश्न आके खड़ा हुआ है। इस बारे में ही हम आज आपसे चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान, इन्हें कौन नहीं जानता, शंकर राव चौहान के पुत्र और महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के छत्रप अशोक चौहान ने कांग्रेस को अलविदा कहकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर, राहुल गांधी भी न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का समापन मुंबई में ही होना है, जहां ये सब चल रहा है। यात्रा के समापन के पहले एक के बाद एक कांग्रेस के छत्रप कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, तो इसे गंभीर संकेत माने जाने चाहिए। यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर किन वजहों के चलते अशोक चौहान सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहा। महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान ने सोमवार 12 फरवरी को कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। उन्होंने विधायक का पद भी तज दिया, विधायक का पद भी उनके द्वारा छोड़ दिया गया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले को अपना त्याग पत्र भेजा और विधानसभा की सदस्यता के लिए वो अपना त्याग पत्र उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को ये पत्र त्याग पत्र भेज दिया है। जाहिर है कुछ ना कुछ हुआ होगा और नाना पटोले दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में भी कुछ ना कुछ खिचड़ी पक सकती है। यहाँ एक बात का उल्लेख जरूरी होगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी को बहुत ही भावुक होते हुए एक अपना त्याग पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा भावुक तरीके से कि वे कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं और दे दिया है और कांग्रेस से उनका 55 साल पुराना संबंध भी समाप्त हो गया है, रिश्ता खत्म हो गया है। इसके बाद 8 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री जियाउद्दीन सिद्दीकी ने त्याग पत्र दिया, वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ते हुए लिखा कि कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल करी पत्ता, मीठी नीम जिसका उपयोग सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसकी तरह कांग्रेस ने उनका उपयोग किया। एक के बाद एक वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस से किनारा करना क्या संकेत दे रहा है, कि बड़ी बात है। आखिर आलाकमान इन नेताओं के विरोध या उनके कथित उपेक्षा को समझ क्यों नहीं पा रहा है, यक्ष प्रश्न ये भी बना है। ये या तो समझ नहीं पा रहा है या समझना नहीं चाह रहा है। अशोक चौहान ने त्याग पत्र के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अपने कुछ समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। हो सकता है कि भाजपा में जाने के बाद अशोक चौहान को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का उम्मीदवार भी बना दे, राज्यसभा भी भेज दे। मीडिया में चल रही चर्चाओं के अनुसार अशोक चौहान अपने साथ एक दर्जन से ज्यादा विधायक ले जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, ऐसा होता है अगर, तो आने वाले समय में, अभी कुछ ही दिनों में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र प्रदेश से कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं चुना जा सकेगा। महाराष्ट्र भाजपा के उच्चपदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह बात भी बताई कि अशोक चौहान के त्याग पत्र या भाजपा में जाने की पटकथा इसी रविवार 11 फरवरी को लिखी गई थी, जब विधानसभा अध्यक्ष
राहुल नार्वेकर का जन्मदिन था और उस दिन अशोक चौहान उन्हें बधाई देने पहुंचे, सूत्रों का कहना है। बधाई देते समय उन्होंने जब इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर हल्की फुल्की ही आरंभ हुई हो तो मजे हुए, सदे हुए राजनेता की तरह उन्होंने ये कहकर इस पूरे विवाद का पटाक्षेप कर दिया था कि वे विधानसभा अध्यक्ष के जन्म दिवस पर उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ उन्हें मिलने गए थे, बधाई देने गए थे। सूत्रों का ये भी कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले की कार्यप्रणाली एवं पार्टी पर पार्टी की प्रदेश इकाई पर नाना पटोले के एकाधिकार से अशोक चौहान खासे आहत थे। इसके अलावा अशोक चौहान की नाराजगी इस बात के लिए भी थी कि नाना पटोले द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया गया था, जिससे उनकी सरकार गिर गई थी। इन सारे समीकरणों के बीच अशोक चौहान ने कांग्रेस नेतृत्व से इस बात की गुजारिश भी की थी कि नाना पटोले को हटाकर अशोक चौहान को खुद को प्रदेश भाजपा प्रदेश कांग्रेस कमेटी माफ कीजिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी जाए, पर कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले में चुप्पी तोड़ना उचित नहीं समझा। उधर हवा में लठ भांजते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर आगे आगे देखिए होता है क्या, ये कहकर ठहरे हुए पानी में कंकर फेंक कर लहरें पैदा कर दी हैं। कांग्रेस के नेताओं के त्याग पत्र और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के घटनाक्रम कुछ इस ऐसे समय में हो रहे हैं जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी कुछ ही दिनों बाद मुंबई पहुंच जाएगी। इसके अलावा इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव। अशोक चौहान के बारे में हम आपको बताएं, अशोक चौहान दिसंबर 2008 से नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2008 में मुंबई हमलों के बाद जब विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब अशोक चौहान ने ये पद संभाला था। इसके अलावा महाराष्ट्र में संस्कृति विभाग, उद्योग विभाग, खनिज विभाग, माइंस जैसी जवाबदारियां भी वे संभाल चुके हैं। अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान के बेटे हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार पिता और पुत्र दोनों ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, वे यही चौहान परिवार के थे। वे नांदेड़ के सांसद भी रहे हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी वे रह चुके हैं। अब समय आ चुका है कि कांग्रेस के आला नेताओं को इस बारे में विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि दशकों तक कांग्रेस का झंडा डंडा उठाने वाले नेताओं के द्वारा कांग्रेस को अलविदा आखिर क्यों कहा जा रहा है। आखिर नेतृत्व इन नेताओं की जो छोड़कर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके मन की बात समझने में असफल क्यों है। कांग्रेस का नेतृत्व अगर अभी नहीं संभला तो लोगों के द्वारा बार बार जो बात कही जाती है कि भविष्य में कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे को कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे, ये बात लोगों के द्वारा कही जाती है, इस बात को मूर्त रूप धारित करने में वक्त नहीं लगेगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में विश्लेषण हम लगातार करते रहेंगे। अगर आपको ये सारे विश्लेषण खबरें आदि पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।